ये हमारे गुरु जी का कोई स्वतंत्र विचार नहीं है। जो गुरुदेव अपना मत को स्थापन कर रहे, बोले नहीं, महाप्रभु ने यही चीज को ही देने के लिए आए थे। इसलिए रूप गोस्वामी कहते, ब्रह्मा का एक दिन में कितना अनर्पित चरिन चिराद करुणयावतीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्जवल रसाम सभक्ति स्त्रियम। महाप्रभु की इतने वैशिष्टता क्यों, कारण है वो ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आते हैं और एक बार आकर के यही ब्रज प्रेम को देख के जाते हैं, और जितने सबके सब हमारे आचार्य योगियों वैधि भक्ति देखने जाते हैं, लेकिन महाप्रभु आकर के विशेष विशेष राग भक्ति ब्रज की भक्ति और राधा जी के चरण की दासित्व को प्रदान करते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हम लोग गौड़ीय है, हम लोग कौन है, अगर तुम्हें प्रश्न किया जाए तुम कौन हो, हम कहते हैं ना हम ब्रह्म महात्म्य गौड़ीय संप्रदाय। प्रभुपाद कहते गौड़ीय मतलब क्या है, बोले गौड़ीय मतलब राधा रानी गौरी, राधा रानी गौरी, इसलिए हम सिर्फ राधा रानी के उपासक है। इसलिए गुरुदेव ने कोई अपना सिद्धांत को नहीं बोल कर गए। अभी जो बता रहे थे ना रूप गोस्वामी ये बात बोले, रघुनाथ दास गोस्वामी ये बोले, सनातन गोस्वामी ये बोले, विश्वनाथ चक्र ठाकुर ये बोले, गुरु जी नहीं, इन्होंने जो गोस्वामियों ने जो चीज को देख रहे गए, गुरुदेव ने हमारे आंखों में अंगुल डाल करके ना वो दिखाए, देखो हमारी परंपरा ये परंपरा है, हमारे गुरुवर हमें ये देख रहे गए। इसलिए ये चीज को गुरुदेव ने विशेष विशेष पूर्वक उन्हें प्रकाशित करके गए, और उनका जो शिष्य वर्ग अभी जैसे प्रभु जी कितने शास्त्र की गहरा बात बता रहे थे, कितने गंभीर बात को ये बता रहे थे, गुरुदेव की सब विचार था। इसलिए वृक्ष का परिचय है वो फल से परिचय, और ऐसे ऐसे जो फल है समझो तो गुरु जी का कितने महत्व नहीं होगा। इसलिए एक समय गुरु जी को किसी ने बोले, बोले गुरु जी मेरा तो कुछ भी नहीं, हम लोग कहते ना हमारे कुछ भी हुआ नहीं, ये भक्तों का दैन्यता है, हमारे कुछ भी नहीं हुआ। गुरु जी बोले किछु नहीं हुआ, बोले क्या हुआ, बोले ये बताओ अगर मैं तुमको द्वारकाधीश भगवान नारायण को अगर तुम चाहते तो वैकुंठ जाना चाहे, बोले नहीं नहीं मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। बोले अयोध्या जाना चाहे, बोले नहीं नहीं हम राम का भक्ति करना अयोध्या जाना नहीं चाहते। बोले क्या द्वारका जाना चाहते, बोले नहीं नहीं द्वारका नहीं जाऊंगा। बोले क्या मथुरा जाना, बोले नहीं नहीं नहीं। बोले वृंदावन, हाँ वृंदावन, वृंदावन जाना चाहते। बोले ये बताओ वृंदावन में क्या तुम रुक्मणी की, तुम क्या कुब्जा की दासी बनो, बोले नहीं नहीं कुब्जा की दासी नहीं। बोले रुक्मणी की दासी, बोले नहीं नहीं रुक्मणी की दासी नहीं। बोले चंद्रावली का दासी, बोले नहीं नहीं पर क्या, बोले राधा रानी की दासी बनना चाहते। हाँ तो गुरुदेव ने बोले तुम बोल रहे तुम्हारी कुछ नहीं हुआ, बोले तुम बोल रहे तुम कुछ नहीं हुआ, इसलिए तुम नहीं, हम तो वैकुंठ नहीं चाहते हो, तुम स्वर्ग नहीं चाहते हो, मुक्ति नहीं चाहते हो, द्वारका अयोध्या नहीं चाहते हो, वृंदावन में भी तुम चंद्रावली का भी दासी बनना नहीं चाहते हो, किसकी दासी बनना चाहते हो, श्री राधा रानी की। इसलिए गुरुदेव कहते थे भैया इस एक जीवन में ना अपना लक्ष्य को स्थिर कर लो, भले ही हमें जितने जीवन में क्यों नहीं मिले लेकिन इसी जीवन में केवल अपना लक्ष्य स्थिर कर दो, अगर लक्ष्य को स्थिर कर दोगे ना फिर तो एक दिन ना एक दिन ठाकुर जी की कृपा से हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव ये बात को बड़े दृढ़ता पूर्वक गुरुदेव कहते थे। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं ऐसे परंपरा में और ऐसे श्री गुरु जी के श्री चरण में हम लोग आए हैं समझो, और कम से कम ऐसी जो कथा सुनने को मिल रहा है ना यही बहुत बड़ी बात है। प्रभु जी बता रहे थे ना जब तक हम जैसे हम कथा सुनेंगे ना जैसे संग करेंगे धीरे धीरे देखना धीरे धीरे वैसे ही रंग बदलता है, हैं उस प्रसमण जैसे। इसलिए मेन वस्तु संग है, इसलिए कम से कम हमें ऐसे संग मिल रहा है, ऐसे हमें कथा सुनने को मिल रहा है ना, इस यही हमारी बहुत है। हमारे गुरुदेव कहते हैं यही हमारी बहुत है, इतने उन्नत उन्नत वैष्णव का संग कथा अगर यही कथा सुन रहे हो इससे हमारी काम बन जाने वाले हैं। इसलिए और हमें प्रभुपाद कहते हैं हमारे विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं एक होता है आचार्य अभिमान। आचार्य अभिमान मतलब है अगर तुमको अगर बताया जाए भैया तुम कौन है, तुम कौन है परिचय, हम क्या कहेंगे, हमारे गुरु आत्मा मितलीला प्रभुशील भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज, बल उनको गुरुदेव का बल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कौन है, राधा रानी के नयन मणि मंजरी, बल उनको पिताजी को भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी, बल उनको गुरुदेव का देखो रूप मंजरी रति मंजरी और श्री महाप्रभु कहते। अगर तुम्हारी इतना अभिमान हो जाए ना जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी, अगर तुम्हारे भले ही बड़े दूर से संबंध हो
अगर किसी व्यक्ति किसी कारण से टकरा जाए, अगर वो लोग जानते हो मैं कौन, मोदी के अमुका लगता बस काम बन जाएगा, लो भैया जाओ जरूरत है। इसलिए कहते हैं अगर तुम्हारी ये अभिमान हो जाए, हम कौन सा परंपरा, प्रभुपाद की परंपरा है, प्रभु गोस्वामी की परंपरा, रघुनाथ दास गोस्वामी, अगर इतना अगर तुम्हारी अभिमान आ जाए ना, बस बस भाई काम बन गया, तुम्हारी काम बनी गई। इसलिए ये परंपरा में जब हम आए हैं, समझो हम लोग बड़े भाग्यवान जिसी परंपरा में, ठीक है। बोले श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय, बोले श्री गुरु परंपरा की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, उदय गौर प्रेमानंदे श्यामानंद प्रभु पुरुषोत्तम मार्ग। ये बच्चे 10-10 मिनट ही सबसे बोलेंगे। ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन दत्तमे शिवरवे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पिपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य दयाल प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर त्रिवशत शिवोर्भक्तवृंद सभी बार जोर से बोले बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद स्तोत्र भक्तिवेदांत यति गोस्वामी गुरु महाराज जी चरण में साष्टांग नमन प्रणाम करता हूं, भक्ति पावन चरण का। तत्पश्चात परम गुरुदेव ने तलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पादस्तोत्र नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पादस्तोत्र सिद्धांत गोस्वामी महाराज चरण साष्टांग नमन प्रणाम करता हूं, समस्त रूपानुग गुरुपाद पद्म स्वपाद से सफल कर गौर नित्यानंद प्रभु स्वपाद से सफल कर राधा गोविंद जी मठवासी समस्त ब्रह्मचारी वृंद तुझे वैष्णव वृंद भक्त वृंद समस्त चरणों में अधम का यथा स्वीकार। हमारा विशेष विशेष सौभाग्य है कि अभी अभी प्रभु जी गुरुदेव जिस प्रकार बता रहे थे कि हम लोग विशेष करके एक गौड़ीय संप्रदाय में आए, एक गौड़ीय धारा में आए, और उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण ये हम ये भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज जी के धारा में आए, और विशेष करके जो परम गुरुदेव ने जो शिक्षा दिया कि किसी प्रकार एक जीवन में अपने एम को फिक्स कर लो, हमारा एम क्या होना चाहिए, एक एम को हमारा जो प्रयोजन वस्तु है प्राप्ति करने के लिए उसको क्या करो, एम को फिक्स कर लो। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको पहले ही पढ़ाई करते हैं, स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 होता है, धीरे धीरे उसको पूछते हैं फ्यूचर में क्या बनोगे, कोई बोलता है डॉक्टर बनोगे, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कुछ भी बनेगा, बहुत सारा चीज़ बोलते हैं। जागतिक चीज में इस प्रकार एम को फिक्स किया जाता है, तो बोलते हैं कि हम इतने सारे पारमार्थिक चीज हम कंठी धारण कर रहे हैं, तिलक धारण कर रहे हैं, करके हम वैष्णव जगत में आए भजन कर रहे हैं, तो गुरुदेव परम गुरुदेव बोलते किसी प्रकार जीव को अपने एम का फिक्स का ज्ञान हो जाए, बस इसी जीवन में हम अपना एम को फिक्स कर ले, ये सबसे बड़ी हमारा बात होगा। तो अभी जिस प्रकार प्रभु जी बता रहे थे, प्रभु जी जहाँ से खत्म के मैं थोड़ा वहीं से ही शुरू कर देता हूँ। प्रभु जी बोले कि परम गुरुदेव हर समय अंतर मन में हर समय क्या करते थे, राधा जी के और श्री रूप मंजरी के भाव में हर समय ये डूबे हुए रहते, हर समय। तो फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद चैतन्य चैतन्य में एक जगह पे लिख रहे हैं, बोले कि बाह्य अभ्यंतर ही द्वित साधन, बाह्य अभ्यंतर ही द्वित साधन, बाह्य साधक देह करे स्मरण कीर्तन। बता रहे हैं कि बाह्य साधन और अभ्यंतर साधन, बाहर में कुछ दिखाई दे रहे हैं कि बाहर में कुछ क्रिया दिखाई दे रहा है, लेकिन अभ्यंतर में मतलब अंदर ही उनका कुछ अलग भावना है। तो इसका एक अर्थ में बता रहे हैं कि एक समय गुरुदेव परम गुरुदेव पुरी में थे, तो पूज्य पाद वंशीवर्धन प्रभु हर समय बोलते हैं इस बात को कि पुरी में ऊपर में थे परम गुरुदेव, तो नीचे गांधर्व का संप्राष्टकम वृंदावन बिहर तो कीर्तन वहां पे हो रहा था। तो गुरुदेव हरिनाम करते 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 करते
पूज्य पाद भक्तिवंत माधव महाराज जी उनको जाके गुरुदेव को बोल रहे हैं बहुत देर से, लेकिन गुरुदेव सुन ही नहीं रहे कुछ ही बात। जैसे ही खत्म हुआ गुरुदेव जैसे ही झट करके उठ के बोल रहे हैं कि कितना सुंदर ये कीर्तन था। तो हर समय क्या करते हैं, ये नित्य रूप में ये राधा रानी के जो कीर्तन है, राधा रानी के जो अष्टकम है, जो गांधार का संप्राष्टकम, उसमें किस प्रकार का जो रूप मंजरी को कृष्ण प्रणाम करके बोल रहे हैं। अभी जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि लीला निकुंज गोरे भवती मुकुंदा चित्रे व सुचितावती रुचिराक्ष नाहम रुग्णाम न रुचये तुम रुषा रुषातम मग्रे ब्रजेंद्र तनये तनु सृष्ट भम्यम। कि किसी समय राधा रानी एक निकुंज में छुप गए, तो कृष्ण उनको अन्वेषण करते करते ढूंढते ढूंढते उस निकुंज में पहुंच जाते हैं। तो पहुंचते देखते ही बाहर है रूप मंजरी को खड़े कर दिया राधा रानी ने। अब ये रूप मंजरी का आयु कितना है, छोटे छोटे 12-13 साल की ये रूप मंजरी। कृष्ण उनको देखते ही समझ गए कि यहाँ निश्चित रूप में राधा रानी होंगे। रूप मंजरी को देखते ही कृष्ण समझ गए। और कृष्ण जाके जिन कृष्ण अखिल ब्रह्मांड के जो मालिक है, वो कृष्ण ये रूप मंजरी के चरणों में गिड़गिड़ा के बोल रहे कि मुझे अंदर निकुंज। निकुंज यानी कोई बड़ा महल नहीं है, निकुंज यानी छोटे छोटे फूल बगीचे में घेरा हुआ एक बगीचा है, उसके अंदर राधा रानी है और उसके बाहर रूप मंजरी है। तो कृष्ण उस निकुंज में भी प्रवेश करने से पहले ये रूप मंजरी को स्तुति कर रहे हैं, रूप मंजरी को ध्यान कर रहे हैं। रूप मंजरी को ध्यान करते हुए कृष्ण बोल रहे हैं, हे रूप मंजरी मुझे कृपा करके बस 1 मिनट के लिए अंदर कर दो, मैं बस 1 मिनट के लिए और राधा रानी को देखना चाहता हूँ। तब उसी समय जैसे कृष्ण और रूप मंजरी के बीच में ये वार्तालाप होता है, तो राधा रानी समझ जाती है कि अंदर से निश्चित रूप में कृष्ण आ गए। तो जैसे ही बाहर देखते हैं तो अपने ब्रिकेटी को टेढ़ी करके देखते हैं कि शायद ये रूप मंजरी बुला के ले आए। तो ब्रिकेटी जैसे ही ऐसे टेढ़ी करके देखा तो रूप मंजरी बोला, नहीं नहीं हे स्वामी, मैंने इनको नहीं बुलाया, मेरा क्या प्रयोजन इनसे। क्या बात कर रहे हैं रूप मंजरी, हे स्वामी जी मैंने इनको नहीं बुलाया, मेरा इनसे कोई प्रयोजन नहीं है, ये आपकी जो चित्रासखी है ना, इन्होंने ही बोल दिया होगा कि ये यहाँ पे है और ये चले आए यहाँ पे। तो किस प्रकार कृष्ण भी वहाँ पे इस जो भाव को गुरुदेव बता रहे, जो गांधारी का संप्राष्टकम में, तो गुरुदेव बोल रहे पूज्य पाद भक्तिवंत माधव महाराज जी के, तो मैं तो उसी दृश्य को देख रहा हूँ, किस प्रकार कृष्ण रूप मंजरी के चरण में गिड़गिड़ा रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि बाह्य अभ्यंतर द्वित साधन, बाह्य साधक देह करे स्मरण कीर्तन। हर समय बाह्य रूप में क्या करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन अभ्यंतर रूप में ये नित्य स्वरूप में हो राधा रानी के जो सेवा, राधा रानी के जो मंजरी भाव, उसमें डूबे हुए रहते हैं। गुरुदेव को किसी ने एक समय, गुरुदेव को आके बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, और गुरुदेव को जैसे मिलने आते हैं तो परम गुरुदेव को बोलते हैं एक बात कि मेरा घर में ये हो गया है, मेरा बच्चा ज्यादा पीता है, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। तो परम गुरुदेव सब सुनते हैं, लेकिन बोलते हैं हाँ क्या बोल रहे हो, काम को ऐसे लेके हाँ, फिर बार बार ऐसे जो बोलते हैं। तो वहां पे वैष्णव लोग बोलते हैं कि गुरुदेव आपको सब समझ में आता है, आप सब चीज सुनते हो, लेकिन आप सुनना ये जागतिक बात को आप सुनना नहीं चाहते, लेकिन कोई भी अगर छोटे छोटे बच्चे से लेके कोई भी अगर राधा रानी का नाम ले तो गुरुदेव उनको बुलाते हैं, इधर आओ, राधा रानी को जानते हो, हमारा क्या संबंध है, एक एक बात उसको प्रश्न पूछने लगते हैं, विचार नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार गुरुपाद पद्मों का, परम गुरुपाद पद्मों का महिमा है कि किसी प्रकार ये अपने अंतर मन से तो नित्य निरंतर भगवान राधा कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहते हैं, और बाह्य स्वरूप में क्या करते हैं ना, स्मरण कीर्तन करते हैं और शिक्षा प्रदान करते हैं। बोलने की निज प्रेष्ट, निज अभिष्ट कृष्ण प्रेष्ट पछेते लागिया, कि हर समय क्या करते हैं, निज अभिष्ट यानी कौन, नसी रूप गोस्वामी का आनुगत्य, कृष्ण प्रेष्ट राधा रानी के आनुगत्य में रहे, कृष्ण के जो पृष्ठ है राधा रानी उनके आनुगत्य में पछेते लागिया, निरंतर सेवा करे एक मन हया, हर समय ये निरंतर क्या करते हैं, एकमात्र रूप में ये बस राधा रानी के सेवा में लगते हैं। देखिए एक बात है, किसी रूप गोस्वामी पाद ने बहुत सारे ग्रंथ का रचना किया, और अभी प्रभु जी बता रहे थे ना कि विदग्ध माधव, ललित माधव और हरि भक्ति रसामृत सिंधु, उज्जवल नीलमन किरण, बहुत सारे ग्रंथ का रचना किया, बहुत सारे रस तत्व को दिया, बहुत सारे लीला को भी बताया कि ऐसे ऐसे लीला है, बहुत सारे अष्टकम भी रचना किया, लेकिन काल क्रम में वो अष्टकम धीरे धीरे वो लुप्त हो गया।
और धीरे धीरे जैसे लुप्त हो गया तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद एक बात को बोलते हैं कि हम लोग वास्तव में रूपानुग है, हम लोग क्या है ना, रूप गोस्वामी के अनुगत्य है, तो रूपानुग बोलने से नहीं होगा। वास्तव में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि वास्तव में जो रूपानुग है, रूपानुग किस चीज को कहा जाता है, बोलने की रूप गोस्वामी ने जिस रस तत्व को इस जगत में देने की पूरा पूरा प्रयोजन करने के लिए जो ग्रंथ रचना किया उसको जो पुनः प्रकाशित कर दे वो वास्तव में रूपानुग है। तो एक पूरा का पूरा जो रूप गोस्वामी का जो आदर हमारे परम गुरुदेव के जीवन चरित्र में दिखा जाता है, कैसे कैसे रस तत्व को जगत में प्रकाशित किया, कैसे कैसे ग्रंथ को बहुत प्रेम संपूर्ण और उज्जवल नीलमणि किरण कैसे कैसे ग्रंथ को परम गुरुदेव ने यहाँ पे रस के रस भर के उसमें क्या के ना प्रकाशित किए, वास्तव में ये रूप गोस्वामी के ही अनुगत्य है। बता रहे हैं कि एक समय किसी समय परम गुरुदेव ये राधा तत्व विचार को हर समय हर जगह पे ये प्रचार करते हैं। किसी समय हमारे प्रेमानंद प्रभु ने बोला कि महाराज नए नए भक्त बैठे हैं, आप कृपा करके क्या करो, इनको थोड़ा वैधि भक्ति, इनको थोड़ा कंठी तिलक की महिमा बता दो। तो ठीक है गुरुदेव, हाँ ठीक है। तो गुरुदेव बैठे, परम गुरुदेव बैठ के जैसे कथा बोलना शुरू करते हैं, कथा बोल के शुरू करते 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 बस बोलते 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 कहाँ से कहाँ लेके जाके ब्रज भक्ति में चले गए, ब्रज भक्ति में चले गए। तो कथा खत्म होने के बाद कुछ बात पर प्रेमानंद प्रभु बोलते हैं, गुरुदेव आपने तो 5 मिनट ही बोला, अरे मैं क्या करूँ, मुझे होता ही नहीं है सब, मैं सब बोल ही नहीं पाता हूँ, मैं तो उस जगत की बात देने के लिए आया हूँ, ये सब बोलने के लिए थोड़ी ना आया। तो किस प्रकार परम गुरुदेव का ये विचार है कि हर समय ये राधा दास से हम राधा रानी के भाव में डूबे हुए रहते हैं, किसी समय इनके विरुद्ध बहुत सारे लोग ने, क्योंकि बहुत सारे लोग ने इनका जो इतना प्रचार हुआ, प्रचार को देख के इनके कुछ विरुद्ध में बोले कि ऐसे ऐसे वहाँ का उस गोड़े मठ में नारायण महाराज क्या करते हैं कि हर समय राधा रानी के भाव भी बोलते हैं। जैसे अभी प्रभुपाद ने बताया कि दशम स्कंद से आगे गोड़े मठ में पाठ नहीं किया जाएगा, फिर भी प्रभुपाद को वाणी को नहीं मानते, तो बहुत सारे लोग ने वहां पे विरोध उठाया। तो गुरुदेव के पास जैसे ही खबर आता है तो बोलते हैं कि देखो जहाँ पे भगवान का पार्षद आते हैं ना, किस प्रकार के गुरुदेव का वाणी बोले, जहाँ पे भगवान का पार्षद आते हैं ना वहां पे विरोध करने वाला भी ऑटोमेटिक आ जाते। कृष्ण का विरोध करने वाला नहीं आए थे, राम जी का विरोध नहीं हुआ था, हुआ था भक्त प्रहलाद का विरोध नहीं हुआ, मीरा जी का विरोध नहीं हुआ, हुआ तो इसी प्रकार असुरगण वहां पे आते ही है, उन सब को अगर देखने जाएंगे तो हम उस चीज को दे ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे करते करते बहुत सारे लोग एक समय पूज्यपाद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज वहां पे इनका परिचित रहे, तो महाराज जी के पास गए और बोलते हैं कि वो वहां के जो नारायण महाराज जी है ना, और वो प्रभुपाद के विचार से विपरीत दिशा में प्रचार कर रहे हैं। क्या प्रचार कर रहे हैं, प्रभुपाद ने क्या बोला, नहीं दशम स्कंद से आगे जो राधा तत्व गुरु भाव है उसको जगत में प्रचार नहीं करना। तो पूज्यपाद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी बहुत देर तक मौन रहे, और मौन रह के थोड़ी देर के बाद बोलते हैं कि मैं उनको बहुत प्राचीन समय से जानता हूँ। क्या बोल रहे, मैं उनको बहुत प्राचीन समय से जानता हूँ, जिस समय पूज्यपाद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज प्रथम बार संन्यास लिया भक्ति गौर वैकुंठ गोस्वामी महाराज जी से और आए चचुड़ा में, तो उसी समय पहली बार ही परम गुरुदेव ने हमारे गुरुदेव को बोले कि आप जाके उनका सेवा करना। उनका नित्य नित्य सेवा करते थे और नित्य नित्य उनका वस्त्र आदि धोना, नित्य उनको गंगा स्नान करना, अर्चन में सहायक करना, इस सारे के सारे सेवा करते थे। तो उसी समय क्या हुआ ना, ये बता रहे हैं जितने अर्चन मंदिर स्थापन जितना है ये भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज महाराज बल्कि उनसे ही मैंने सारे मंदिर स्थापन सब कुछ उन्हें, क्योंकि उन्होंने सेवा की, उन्हें सेवा करते समय और उनको प्रक्रिय किए। और जब हमारे महाराज जी कोई ग्रंथ भक्ति नारायण दोस्त कोई ग्रंथ बनाते थे और वो ग्रंथ पहले भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के पास में भेजते थे, और भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जब जब देखते थे कोई ग्रंथ प्रकाशित हुआ इतने प्रसन्न होते थे। क्यों, प्रभुपाद इसको कहते हैं बृहत मृदंग है, बृहत मृदंग का मतलब होता है जैसे साधारण मृदंग का आवाज कहाँ तक थोड़ी दूर तक जाती है, लेकिन जो ग्रंथ अगर किसी पृथ्वी का किसी कोने में अगर पहुंच गया तो जो ग्रंथों को पढ़े उनका भी कल्याण हो जाता है। इसलिए हमारे भक्ति गोदर नारायण गोस्वामी महाराज ये जो बृहत मृदंग का जो ग्रंथ हिंदी भाषियों के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई ये गौड़ीय वैष्णव में उपकार अगर कोई ग्रंथ रचना किया हमारे भक्ति गोदर श्रील नारायण गोस्वामी महाराज।
इतने ग्रंथों को, जितने गौरीय ग्रंथों को गुरुदेव कहते थे, जैसे जैव धर्म ग्रंथों को मैंने 60 बार पढ़ करके मैंने ये ग्रंथों को ट्रांसलेशन मैंने किया है। इसलिए कह रहे थे ना गुरु जी को, कोई भी कोई प्रश्न करता है ना, जैसे हमें कोई क्रिटिकल प्रश्न करते हम चक्कर में पड़ जाते हैं, उत्तर क्या दे। लेकिन हमारे महाराज जी को कोई भी कोई प्रश्न करता था, प्रश्न करने का साथ साथ गुरुदेव उत्तर देते थे। तो गुरुदेव कहते थे, भैया मैं इतने एकदम प्रश्न करते उत्तर कैसे देता हूँ, चूंकि मैंने ये जैव धर्मों को 60 बार पढ़ा है कि वहां पर प्रश्न उत्तर है, प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर, ऐसे कोई प्रश्न नहीं जो वहां पर प्रश्न है नहीं, ऐसे कोई उत्तर है नहीं जो महाराज उत्तर उसमें उत्तर है नहीं। इसलिए गुरुदेव ऐसे जो बृहत मृदंग व्रत में, ऐसे हमारे गौड़ीय वैष्णव में सबसे ज्यादा, विशेष करके हम जो हिंदी भाषी, पहले तो बंगला भाषा में सारे ग्रंथ थी, हिंदी भाषी को अगर कोई सबसे ज्यादा कोई ग्रंथ प्रस्तुत किया हमारे गुरुदेव ने किया। इसलिए गुरुदेव जो हिंदी भाषियों के लिए बड़े बड़े अवदान, हमारे महाराज की बड़े अवदान है। इसलिए भक्ति ब्रह्म मधुपुरी गोस्वामी महाराज की, इन्होंने महाराज ने बहुत सेवा की, बहुत सेवा की, हर तरह से उन्होंने सेवा की और उनको कृपा दी। जिस समय भक्ति ब्रह्म मधुपुरी गोस्वामी महाराज अंतिम समय में पुरी में रहे, उन्होंने पुरी में रहे, अंतिम समय में बोलना बंद कर दिया क्योंकि अंतर दशा में प्रभु की लीला स्मरण करते थे, लेकिन और किसी से बात नहीं करते थे। तो महाराज कहते थे, सब बोलते हैं भक्ति प्रमद गुरु गोस्वामी, चुप होकर कोई बोलते नहीं, लेकिन जब उन्हें भक्ति वेदन नारायण गोस्वामी महाराज गए ना, उनको जो पता चला नारायण महाराज है, बोले मेरे साथ बात करना शुरू कर दिया। तब सब कहते भैया गुरुदेव तो चुप होंगे, हम लोग रात भी बात नहीं करते, लेकिन कोई विशेष कोई वैष्णव आ जाए ना महाराज नारायण महाराज आए, ए मेरे साथ में बड़े कहते महाराज उनकी सेवा किया ना, बहुत सेवा किया, कहते उनको विद्या भी थे, उनको गुरु भी थे, शिक्षा गुरु, हर तरह से उन्होंने सेवा की। तो मेरे साथ में अच्छे तरह से बात किया, क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ग्रंथ कैसे प्रकाश कर रहे हो, कौन सा ग्रंथ तुमने, क्योंकि हमारे महाराज जी इतने ग्रंथ जिंदगी भर ग्रंथ प्रकाश करते 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 गुरुदेव गए। आपको देखा होगा जहाँ ग्रंथ का ग्रंथागार, कितने गुरुदेव ने कितने ग्रंथ प्रकाशित कर दिया। इसलिए हम उस बारे में क्या, हाँ तो पूज्य पाद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी बोले कि मैं इनको बहुत प्राचीन समय से जानता हूँ, इतना बोल के फिर चुप हो गए, मौन हो गए। फिर उसके बाद कुछ समय के पश्चात बोल रहे हैं कि प्रामाणिक व्यक्ति अगर कुछ बोले तो उनमें विचार नहीं किया जाएगा। ये कौन बोल रहे हैं? पूज्य पाद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी बोल रहे हैं। और वो कौन है ना, उनके शिक्षा गुरु समान है, तो गुरुवर्ग ही उनको प्रामाणिक बता रहे हैं, उनको पहले ही उनके ऊपर बता रहे हैं कि प्रामाणिक है, वो कहेंगे तो उनके ऊपर दोष नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से परम गुरुदेव ने किस प्रकार प्रचार किया, और प्रचार करते करते एक समय ने तो बहुत सारे लोग उनके ऊपर विरोध में आके बोले कि भक्तिवर नारायण गोस्वामी महाराज जैसे तैसे कोई हरिनाम दे देते हैं, सोच असोच विचार नहीं करते हैं, विदेशों में सबको ऊपर हरिनाम देते हैं तो इसका विचार नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार का बहुत सारे क्वेश्चन उठा। तो एक समय विदेश में गुरुदेव थे और उनके ऊपर प्रश्न उठा कि आप सारे को सारे हरिनाम दे देते हो विदेशियों को भी, वो लोग तो सोच क्रिया भी उनको ठीक से आता नहीं, उच्चिष्ट ज्ञान भी नहीं आता, ये सब भी उनको नहीं है, कुछ भी उनको पता ही नहीं है। तो गुरुदेव बोलते हैं कि देखो मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा, बता रहे हैं मैं नहीं दूंगा तो इनको और कौन देगा, मैं इनको उधार के लिए ही आया हूँ। एकमात्र इस प्रकार का वाणी केवल महाभागवत में ही, महाभागवत ही बोल सकते हैं, केवल एक महापुरुष ही बोल सकते हैं। बता रहे हैं जिस समय श्रीमन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और हरिदास को प्रचार, हरिदास ठाकुर को प्रचार करने के लिए भेजा, श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने बोल रहे हैं कि ना ही देखे स्थान स्थान, ना ही अपात्र अपात्र, कहीं पे स्थान स्थान पात्र अपात्र का नहीं देखा, और हर जगह पे वो प्रेम का प्रचारण किया, वो प्रेम का वितरण किया श्रीमन महाप्रभु, श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने। उसी प्रकार एक समय गुरुदेव फ्लाइट में जा रहे थे और जाते जाते एक दो बार गए फ्लाइट में प्रचार करने के बाद, तो जो परिचालक होता है फ्लाइट का उसने गुरुदेव को देख लिया तो उससे बातचीत हो गया। बातचीत होते ही उसने फ्लाइट में बोला कि गुरुदेव मनुष्य जीवन का उसको थोड़े बस 5 मिनट गुरुदेव उसको मनुष्य जीवन का दुर्लभता बता देते हैं। वो बोल रहा है कि गुरुदेव मुझे हरि नाम दे दो, तो फ्लाइट के अंदर ही गुरुदेव ने हरि नाम दे दिया, फ्लाइट के अंदर ही गुरुदेव ने उसको हरि नाम दिया। पात्र नहीं अपात्र नहीं स्थान काल वर्णन ये सब कुछ ही नहीं देखा। बोल रहे हैं कि मैं इस चीज को देखने के लिए नहीं आया हूँ, मैं श्रीमन महाप्रभु के वाणी को प्रचार करने के लिए आया हूँ। श्रीमन महाप्रभु ने मुझे जिस चीज के लिए भेजे हैं, श्रीमन महाप्रभु मुझे जिस आज्ञा करके भेजे हैं, मैं तो उसी आज्ञा का केवल पालन ही कर रहा हूँ। ये गुरुदेव का वैशिष्ट्य है। बता रहे हैं किसी को भी
योग्य अयोग्य कभी नहीं देखा। जो जो लोग देवानंद गोड़े मठ से बाद में प्रचार हुआ कि गुरुदेव के नाम देवानंद मठ से जैसे अलग हो जाते हैं, तो बोलते हैं कि देवानंद गोड़े मठ से बहुत सारे पैसे ले लिए, बहुत सारे ये सब संपत्ति ले लिया। तो जैसे गुरुदेव के पास खबर आता है उल्टा केस होता है। तो एक दिल्ली में था तो गुरुदेव का एक एडवोकेट ने आके बोला कि गुरुदेव आप मुझे बस एक बार आदेश दे दो, मैं उनका ऊपर उल्टा केस कर दूंगा, मैं उनके ऊपर उल्टा केस कर दूंगा, बस एक दो चार केस टोक दूंगा, बस इधर उधर घूमते रहेंगे, बस एक बार आप आदेश तो दे दो। तो गुरुदेव बोलते हैं देखो मैं भी उनके कल्याण के लिए भी चाहता हूँ, मैं भी उनके कल्याण ही चाहता हूँ। तो ऐसे ऐसे बोल के गुरुदेव चुप हो गए। और कुछ दिन के पश्चात ही वो लोग जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग गुरुदेव के पास आते हैं माफी मांगने के लिए। जैसे गुरुदेव का प्रचार बहुत बढ़ जाता है वो लोग माफी मांगने के लिए आते हैं, तो गुरुदेव उनको पहले ही सामने रख के बोल रहे हैं ऐसे क्यों करते हैं। गुरुदेव उनको डांट रहे हैं और देख के गुरु भाई होने के कारण भी उनको गुरु भाई है फिर भी वो देख के डर रहे हैं, कहां पर है। गुरुदेव को देख के बोलने की तुम लोग ऐसे करते हो, आगे से ऐसे मत करना। तो इसी प्रकार का शिक्षा भी देते हैं, इसी प्रकार का विचार भी देते हैं। और किस प्रकार जीव में दया, किस प्रकार जीवे दया, श्री भक्ति विनोद ठाकुर एक कीर्तन में लिखे हैं, कवे जीवे दया होए वे उदय निज सुख बोले सुदिन दिदय भक्ति विनोद करिया बिना सी आज्ञा टहल करिवे प्रचार। कब मैं श्री आज्ञा टहल यानी श्रीमन महाप्रभु के उस वाणी को प्रचार करूंगा, निज सुख बोली अपना सुख को कब मैं भूल जाऊंगा। ये गुरुदेव के जीवन चरित्र में एक देखा जाता है। 2010 में नवदीप धाम परिक्रमा के समय में जब गौर पूर्णमी है, आगे गौर पूर्णमी के एक दिन पहले गुरुदेव बड़े अस्वस्थ हो गए, और बड़े अस्वस्थ हो गए तो उनको सलाइन लग रहा है और पूरा शरीर में जैसे उनको पूरा वीकनेस आ गया, उठ नहीं पा रहे हैं और इतने अस्वस्थ है। और गौर पूर्णमी है, गौर पूर्णमी बहुत सारे लोगों का दीक्षा होता है, हरिनाम होता है। तो रात तो जैसे जैसे चला गया, सुबह सुबह गुरुदेव जैसे ही सुबह हुआ तो मंगल आरती से पहले गुरुदेव जैसे उठ जाते हैं, अपने नाम से पूर्वक हरिनाम करते हैं, 2 बजे गुरुदेव उठ गए और जग के फिर हरिनाम मांगने लगे, हरिनाम किया। और हरिनाम करने के पश्चात गुरुदेव ने जैसे ही नाद और तिलक करके पूरा तैयार हो गए। तो पूजे बाद भक्तिवान माधव, बहुत समय हो गया, पूजे बाद भक्तिवान माधव महाराज जी बाहर सबको बिठाए हैं, बहुत सारे भक्त आए हैं दर्शन करने के लिए गुरुदेव को, तो बाहर सांत्वना देके अंदर आए और कोई छोड़ना ही नहीं चाहता है। तो सब लोग ने बोले कि पूजे बाद भक्तिवान माधव महाराज को आप ही मना करो, आपकी बात ही मानेंगे। तो पूजे बाद भक्तिवान माधव महाराज जाके मना करते हैं कि गुरुदेव आप अभी हम आपको जाने नहीं चाहिए। तो पहले तो गुरुदेव बड़े शांत हो गए, कुछ बोले नहीं। फिर बार बार जैसे ही गुरुदेव उठने की कोशिश करते हैं महाराज जी उनको बिठा देते हैं जोर-जोर से। तो एक ऐसे आंख ऐसे टेढ़ी करके देखा गुरुदेव, ऐसे आंख को ऐसे टेढ़ी करके देखा तो पूजे बाद माधव महाराज कहते हैं मैं डर गया, वहां पे डर के मैं उनको छोड़ दिया। ऐसे टेढ़ी करके आंख को देखा तो मैं बोल रहे मैं डर के छोड़ दिया, छोड़ के बोल रहे तुम मुझे बाहर लेके जाओगे या मैं खुद बाहर चले जाऊं, बोले तुम मुझे बाहर लेके जाओगे या मैं खुद बाहर चले जाऊं। अगर वो लोग आज अगर हरिनाम नहीं ले पाएंगे, इतना लोग वंचित हो जाएंगे नाम से, इतना लोग मेरे लिए देखने के लिए केवल क्या हरिनाम लेने के लिए आए हैं, और मेरा कर्तव्य क्या है अपने सुख के लिए, मैं एक जीव को भगवत जो उन्मुख हो रहा है उसको विमुख नहीं कर सकता अपने सुख के लिए। निज सुख बोली सुदिन दिदय जो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं ना कि अपने सुख के लिए मैं नहीं रह सकता यहाँ पे। तो जैसे तैसे करके पूजे पास माधव महाराज और हमारे तीर्थ महाराज जी थे तो उन लोगों ने फिर बाहर लेके गए और 400-500 लोगों को हरिनाम दिया गुरुदेव ने, 400-500 लोगों को करीब हरिनाम दिया और बहुत सारे लोगों को दीक्षा भी दिया। और बोल रहे हैं कि अगले साल मैं रहूं या नहीं रहूं, लेकिन मैं निश्चित रूप में तुम लोगों को ये बोल रहा हूं कि तुम लोग क्या करना, अगले साल भी परिक्रमा में आना, तुम लोग भी अगले साल परिक्रमा में आना। किस प्रकार का गुरुदेव ये वाणी को गुरुदेव वाणी कह रहे हैं। समय हो गया है बस, और एक बात गुरुदेव का बोल देता हूँ, ऐसे बहुत सारा बात है। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने अपने कीर्तन लिखा दुष्ट मन तुम किसे वैष्णव, तो उस कीर्तन में एक जगह पे लिख रहे हैं कि कनक कामिनी प्रतिष्ठा बागिनी छाड़ी ऐसे जा रहे थे वैष्णव, बोले कनक कामिनी प्रतिष्ठा इनको जो छोड़ दिया नहीं, ये कनक कामिनी प्रतिष्ठा जिनको छोड़ दिया, समझ में आ रहा है कि नहीं, कनक कामिनी प्रतिष्ठा जिनको छोड़ दिया कि दूर से देख के प्रणाम करके भाग गए कि हमें तो इनके इन्हें यहाँ से कोई और प्रयोजन नहीं है, तो बोल रहे हैं कि वो वैष्णव है। तो देखो एक ये जो कीर्तन है, एक कीर्तन में बस तीन चीज का बारे में श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि कनक कामिनी प्रतिष्ठा
कनक कामिनी और प्रतिष्ठा, ये तीन चीज के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं। कनक शब्द का प्रयोग किया 3 बार, कामिनी शब्द का प्रयोग किया 4 बार, और प्रतिष्ठा शब्द का जो प्रयोग किया ये 14 बार। तो इस प्रकार प्रतिष्ठा को छोड़ने के लिए श्री प्रभुपाद बता रहे। किसी समय श्री परम गुरुदेव के पास विष्णु पांडे नाम का एक बड़े विद्वान, ब्रज के बड़े विद्वान भक्त आए। तो वो बड़े संस्कृत में उनका बड़ा नॉलेज है, बड़ा उनका विद्वत्ता है। तो गुरुदेव के पास आते हैं, आके जैसे गुरुदेव को प्रणाम प्रणाम किया, गुरुदेव ने उनको प्रसादी माला दिया, मिठाई मिठाई दिया, प्रणामी दे के उनका बड़ा प्रशंसा किया। तो उन्होंने बोले कि महाराज आप क्या करो ना, आपने बहुत सारे ग्रंथ रचना कर लिया, अब क्या करो आप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के साथ टीका के साथ आप श्रीमद भागवतम ग्रंथ का ये क्या करो, आप भागवत ग्रंथ निकालो। तो गुरुदेव बोलते हैं कि किस प्रकार गुरुदेव का वाणी है, गुरुदेव बोलते हैं आप अगर सहायक करोगे तो निश्चित रूप में ये साफल्य होगा। तो डर के लोटपोट हो गया, इतना बड़ा मर्दान विद्वान जो गुरुदेव, जो बड़े बड़े रूप गोस्वामी के तिथि में और जो गुरुवर्ग की तिथि में सबको निमंत्रण देते हैं, आओ कथा करेंगे, आओ भागवत तत्व के ऊपर विचार करेंगे, आओ रस तत्व के ऊपर विचार करेंगे, वहां पे अच्युत लाल भट्ट कहाँ कहाँ कितना कितना भट्टाचार्य शठाचार्य सबको बुलाते हैं कि आओ हम इसके ऊपर डिबेट करेंगे, इसके ऊपर हम तर्क कथा करेंगे। और गुरुदेव सबको सुनते हैं और सब लोग जैसे ही सोचते हैं कि हमने तो सारी चीज बोल दिया, अब महाराज जी क्या बोलेंगे, फिर गुरुदेव रूप गोस्वामी के बारे में ऐसे ऐसे सिद्धांत निकाल के देते हैं, श्री भागवत के विचार तत्व को ऐसे ऐसे सिद्धांत निकाल के देते हैं, सबको सुन के सब हैरान हो जाते हैं। इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े सिद्धांत रहने पर भी गुरुदेव बोल रहे हैं आपके अगर सहायक होगा तो निश्चित रूप में हो जाएगा। वो तो लोटपोट खा गया, बोले कि गुरुदेव आप ये कैसे बात कर रहे हैं, आप जैसे महाभागवत ही आप किस प्रकार का बात कर रहे हो। जिस समय गुरुदेव को युगाचार्य उपाधि दे रहे थे, जिस समय गुरुदेव को युगाचार्य उपाधि दे रहे थे उसी समय गुरुदेव को 2 बार बोलने के बाद भी गुरुदेव खड़े नहीं हो रहे, उनका भाव क्या है। बोले युगाचार्य तो साधारण साधारण उपाधि है, इस युग का बस केवल इस जागतिक जगत का एक उपाधि, ये तो केवल तुच्छ उपाधि है। गुरुदेव के लिए तो बड़े बड़े उपाधि है, नित्य धाम का उपाधि, राधा रानी का प्रिय थी, राधा रानी का सखी, राधा रानी का दासी का जो उपाधि, वो श्रेष्ठ उपाधि है गुरुदेव के पास, ये क्या साधारण उपाधि। तो गुरुदेव किस हर समय उस ब्रज भाव में और प्रतिष्ठा से हर समय प्रतिष्ठा भी जिनको छोड़ दिया। और कनक कामिनी गुरुदेव ने सुने हैं कि पुलिस ऑफिसर थे, और पुलिस ऑफिसर थे और किस प्रकार उनका बहुत सारा पैसा था, लेकिन एक बार में ही उन्होंने छोड़ दिया। बाद में परम गुरुदेव बोलते हैं कि तुम घर चले जाओ किसी कारणवशतः। तो फिर घर जैसे ही गए तो परम गुरुदेव ने एक लेटर पीछे पीछे लेटर लिख दिया, और जैसे ही लेटर घर में पहुंचा तो गुरुदेव ने एक बेड के ऊपर तकिए के ऐसे सजा दिया कि कोई सो रहा है, और वहां से उठ के भाग गए देवानंद भोले मंदिर। इसी प्रकार परम गुरुदेव का महिमा है। और किस प्रकार माया को छोड़ना सबसे बड़ी बात है। हरिदास ठाकुर के पास तो माया आया, लेकिन क्या हुआ, भक्त बन गया। उसी प्रकार माया को छोड़ना कितना मुश्किल बात है, इन महापुरुष के जीवन चरित्र में देखा जाता है। एक मलबक परित्याग करके छोड़ के चले गए। और जिस समय अंतिम में ये बोलता हूँ कि जिस समय श्रील भक्ति नारायण गोसाई महाराज आ रहे थे, उसी समय किस प्रकार आज भक्ति बावन गोसाई महाराज जी का भी इस साल में उनका भी शतवार्षिकी उत्सव मनाया जा रहा है। तो जिस समय परम गुरुदेव जा रहे थे अपने बिहार से ट्रेन में चल के देवानंद गोड़े मठ में जा रहे थे, किसी को उस समय कोई मैसेज नहीं था, उस समय कोई मोबाइल वोबाइल सिस्टम नहीं था, तो पहले सूचित नहीं किए थे कि मैं आ रहा हूँ। तो परम गुरुदेव ने बोले कि बावन गोसाई महाराज जी को बोले कि सज्जन सेवक ब्रह्मचारी, उनका ब्रह्मचारी नाम, कि आप जाओ और कोई भक्त आ रहा है। बोले कौन आ रहे है? बोले एक नारायण तिवारी बोल के आ रहे हैं, आप स्टेशन में जाके लेके आओ। तो बोलने की भगवान बावन गोसाई महाराज जी जाते हैं और पहले दिन ही उनको ट्रेन से लेके देवानंद गोड़े मठ में आते हैं। और जिस समय गुरुदेव बोलते हैं जिस समय मैं प्रचार में गया या कहीं गया, मुझे हर समय पूज्यपाल भगवान बावन गोसाई महाराज लेने आते हैं, छोड़ने जाते हैं। इसी प्रकार जिस समय प्रथम बार श्री भक्ति नारायण गोसाई महाराज ने प्रचार करके आए विदेश से, तो भगवान बावन गोसाई महाराज बोले आज ये मठ को सजा दो, ये मठ को फूलों से सजा दो। देखा ब्रह्मचारी ने सजाया नहीं, तो संध्या काल में बोलने की मैं खुद सजा दूंगा, तुम सजाओगे या मैं सजा दूंगा, क्योंकि गुरुदेव के प्रचार करके वो आ रहे हैं। तो इसी प्रकार का उनका प्रीति था। और अंतिम समय में भी जब देखते हैं, अंतिम समय में भी देखते हैं गुरुदेव बड़े अस्वस्थ हो गए कार्तिक के बाद,
तो उनको बोलते हैं कि मुझे पुरी ले चलो, तो पुरी में ले गए। सब लोग सोच रहे हैं कि गुरुदेव अभी नित्य धाम में चले जाएंगे, तो गुरुदेव बोल रहे हैं अभी समय नहीं आया, मुझे पूज्यपाल भक्तजन बावन गोस्वामी महाराज लेने आएंगे। हर समय मुझे वो लेने आते हैं और हर समय मुझे छोड़ने भी आते हैं। तो उसी समय किस प्रकार का संयोग है, पूज्यपाल भक्तजन बावन गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव तिथि और गुरुदेव का विरह तिथि। मानो ऊपर से पूज्यपाल भक्तजन बावन गोस्वामी महाराज आ रहे हैं और यहाँ से लेके गुरुदेव को जा रहे हैं। तो इसी प्रकार का कैसे उनका संबंध था। और इस साल हमारे दो महा वैष्णव भी जगत से अप्रकट लीला करके, पूज्यपाद भक्तिवेदान तीर्थ गोस्वामी महाराज जी और एक कीर्तनीय गया कृष्णदास प्रभु जी। ये कृष्णदास प्रभु जी बड़े कीर्तन करते थे और गुरुदेव बड़े प्रसन्न होते थे इनके कीर्तन सुन सुन के। और पूज्यपाद भक्तिवेदान तीर्थ गोस्वामी महाराज जी प्रसाद मनाया करते थे। बोल रहे हैं हम शतवार्षिक मना रहे हैं ना, शतवार्षिक में क्या होता है बताओ? दो चीज होता है, एक कीर्तन और प्रसाद सेवा। बोले इस जगत में तो कीर्तन और प्रसाद सेवा करने के लिए बहुत है, नित्य जगत में तो गुरुदेव का तिथि पालन होगा कि नहीं? नित्य जगत में भी गुरुदेव का तिथि पालन होगा, इसीलिए वो नित्य यहाँ से नित्य जगत चले गए। वहां पे कीर्तन करेंगे और वहां पे प्रसाद बनाएंगे और वहां पे गुरुदेव का तिथि पालन करेंगे। इसी प्रकार गुरु जी का महिमा है। और एक प्रसाद की गुरुदेव का कोई शिष्य लोग कुछ बोलेंगे? कौन है कुछ बोलेगा प्रभु जी? कौन बोलेगा? बोलोगे? नहीं हम आपसे ही सुनेंगे। यहाँ बात जी में पांच मिनट खड़े हो जाए, पांच मिनट गौरभक्तवृंद। एक बार सभी मेरे साथ साथ बोलिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म परम आराधितम श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि जन्म प्रणाम करता हूँ। परम गुरुदेव वर्ग नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पादष्टो दर्शन श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जिनकी शतवार्षिक को उपलक्ष्य करके आज हम सभी यहाँ की महिमा कीर्तन कर रहे हैं, उनके चरणों में अनंत कोटि जन्म प्रणाम। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पादष्टो दर्शन श्री श्रीमद् भक्ति श्री सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरणों का आश्रय लेते हुए समस्त गुरु परम्परा के चरणों में अनंत कोटि जन्म प्रणाम। उपस्थित समस्त वैष्णव राधेश प्रभु जी कृष्णदास प्रभु अन्य अन्य समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम। देखो भक्ति विनोद ठाकुर अपने कीर्तन में लिखते हैं, सुनो है रसिक जन कृष्ण गुण अगणन अनंत कहित नहीं पारे। कृष्ण के अनंत गुण है और उन अनंत गुणों को अनंत देव अपने अनंत मुखों से भी वर्णन नहीं कर सकते। सर्व महागुणे गण वैष्णव शरीर कृष्ण सकल गुण भक्ति संचारे। तो कृष्ण के जितने भी गुण होते हैं वो अपने भक्तों में संचरित कर देते हैं। तो श्रील महाराज जी के भी इस प्रकार अनंत गुण हैं और जब अनंत देव उन गुणों का वर्णन नहीं कर पा रहे तो मेरे जैसे बद्ध जी की तो क्षमता नहीं है संक्षिप्त समय में कुछ भी कहने का। इस वर्ष ये उनका शतवार्षिकी वर्ष है और शतवार्ष सचमुच में यदि पूरे वर्ष भी इनके महिमा कीर्तन करते रहे तभी हम इसे पूर्ण नहीं कर पाएंगे। श्रील महाराज जी का एक समय पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की तिथि में श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज अपने शिष्यों के साथ में उपस्थित हुए। उस समय पर हमारे श्रील महाराज श्रील भक्ति विद्या नारायण गोस्वामी महाराज को प्रभुपाद की महिमा मंडित करने का सुयोग दिया गया। उन्होंने जो श्रील प्रभुपाद के विषय में बातें कही, जो उनका विचार वैशिष्ट, जो उनके अवदान के विषय में कहा, तो उसको सुन सुन के स्वयं प्रभुपाद के आश्रित शिष्य भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसी महिमा प्रभुपाद की तो हमने भी नहीं श्रवण करी। उनसे प्रश्न किया कि तुमने तो कभी प्रभुपाद का संग किया नहीं, तुम्हें इतने बार प्रभुपाद के विषय में कैसे पता? तब श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज गजे के सिंह, उन्होंने सिंह के समान दहाड़ करते हुए कहा कि मैंने इसे प्रभुपाद का संग करवाया है। अर्थात किसी वैष्णव विशेष का संग उनके साथ में व्यक्तिगत रूप से शारीरिक रूप में रहने से ही संग यदि ना हो या ना हो इसमें संशय हो सकता है, लेकिन उनकी हरिकथा के माध्यम से उनके विचार वैशिष्ट को समझ के जो संघ होता है वही असली संघ है। हमने भी मेरा भी व्यक्तिगत रूप में तो महाराज के साथ संघ नहीं हुआ, लेकिन गुरुदेव से वैष्णव शरीर जो महाराज के विषय में श्रवण किया है उसी की पुनरावृत्ति करने की मैं चेष्टा करूंगा।
हम अभी श्रवण कर रहे थे किस प्रकार महाराज जी ने सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन राधा रानी की बाल्यदासी जो बताया है रूपानुग धारा क्या है उसके विषय में सब समय प्रचार किया, और केवल इतना मात्र ही नहीं उसको प्राप्त करने का जो साधन है वो भी अपने जीवन में आचरण करके दिखाया। देखो बुद्ध नित्य सिद्ध महापुरुष है, श्री राधा रानी की नयन श्री राधा रानी की मंजरी स्वरूप है, तो उनको ये सारा साधन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल मात्र हमारी शिक्षा के लिए ही उन्होंने आचरण किया। श्री रूप गोस्वामी बात कहते ना उपदेशामृत में उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना, किस प्रकार एक साधन को भजन में उत्साहित होना चाहिए। आप इनकी हरिकथा श्रवण करो, इनकी हरिकथा श्रवण करके इतना उत्साह एक साधक के हृदय में भर देते थे। कभी ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते महाराज जी पहुंचे थे मथुरा में ध्रुव टीला पर, तो ध्रुव टीला पर वहां पर कोई साधक वहां पर कोई पंडित भजन करता था। उसने महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी हमने सुना है ध्रुव महाराज इसी स्थान पर 6 महीने में उनको भगवत प्राप्ति हुई थी, और हमें भजन करते करते तो कितने साल हो गए हैं लेकिन फिर भी हमारा कुछ भी नहीं हो रहा। तब श्रील महाराज जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि ध्रुव महाराज ने जिस प्रकार का भजन किया था क्या तुम उस प्रकार का भजन कर रहे हो। ध्रुव महाराज ने किस प्रकार का भजन किया, 1 महीने में नारद जी द्वारा जब मंत्र प्राप्त किया उसके प्रकार उसके बाद में 1 महीने में केवल मात्र पेड़ से जो अपने आप पत्ते गिर जाते थे 3 दिन में एक बार वो पत्ता खाकर रहते थे, और जब भगवान के भजन में जब ध्यान में बैठते थे 3-3 दिन तक उनको बाहर बाह्य आवेश ही नहीं आता था। उसके बाद में 2 महीने में केवल मात्र जल ग्रहण करके 6 दिन में एक बार जल ग्रहण करते थे, 3 महीने में सिर्फ वायु भक्षण करते थे। इस प्रकार इतना कठोर साधन किया मंत्रेर साधन की वा शरीर पतन, अर्थात महाराज जी शिक्षा दे रहे थे कि एक साधक को किस प्रकार साधक की चेष्टा होनी चाहिए, भजन में कितना उत्साह कि जब तक भजन करते करते बोले प्राण या हलक में नहीं आ जाए होठ में नहीं आ जाए या तो हमें भगवत प्राप्ति होगी या ये देह ही नहीं रखेंगे। जब इतना सर्वश्रेष्ठ साधन यदि कोई करेगा तब जाकर भगवत प्राप्ति होती है, ना किसी प्रकार से बस साधन कर लिया साधन के नाम पे 16 माला कर ली क्या उससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान जिस भक्ति के वशीभूत हैं वो भक्ति का इतनी आसानी से मिल जाएगी। आपने सुना होगा ऑडियो सेवा टीम जब स्टार्ट हुई थी उसका जो फर्स्ट वीडियो आया था उसके लास्ट में श्रील महाराज जी क्या कह रहे हैं, बोले प्राण हाथ में लेके गुरु की सेवा में लग जाओ। भक्ति कोई ऐसी वैसी वस्तु नहीं है, जिस भक्ति के वशीभूत साक्षात अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक कृष्ण है क्या वो भक्ति ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी। प्राण हाथ में लेकर भी यदि कोई गुरुदेव की सेवा करे जो उन्होंने अपने जीवन में आचरण करके दिखाया तब जाकर भक्ति प्राप्त होगी, है ना। एक साधक को किस प्रकार का भजन में उत्साहित होना चाहिए अपनी हरि कथा के माध्यम से देते थे। कभी मथुरा मठ में ये श्री महाराज जी के ही वचन है, वो कह रहे थे कि हमारी इतनी उम्र हो गई है इतना वयस्क हो गई है फिर भी हमें इतना उत्साह है, तो जो जवान ब्रह्मचारी है उनको तो पक्षी की भांति पंख लगाकर उड़ना चाहिए, अर्थात साधन भजन में इतना उत्साह होना चाहिए कि एक क्षण भी क्लांत नहीं रहना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार की शिक्षा श्रील महाराज जी अपने हरिकथा के माध्यम से जो उत्साह देते थे वो सच में लक्ष्य करने वाला है। हमारे लिए यही सबसे शिक्षाप्रद है। जो श्रील अभी जहाँ पर गोवर्धन गौड़ी मठ है हमारा, वहां पर किस प्रकार महाराज जी ने रहकर साधन भजन किया, स्वयं कहते थे महाराज जी कि मैंने भी गोस्वामियों के समान भजन करने की चेष्टा करी है। संख्या पूर्वक नाम गानन विधि कालावसानी कृतो निद्रा हार कहार विजितो चातंत दीनो चयो। हमारे गोस्वामी मर्गों ने कैसे संख्या पूर्वक नाम स्तुति प्रणाम इत्यादि करते थे, उसी प्रकार से महाराज जी भी जब गोवर्धन मठ जहाँ पर अभी मठ है उस स्थान पर जब मठ नहीं था बड़ा कीचड़ कीचड़ वाला स्थान था लेकिन एक छोटी सी कुटिया बनाकर महाराज जी ने दिन में हर रोज प्रत्येक दिन गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे, अपना भिक्षा मांग के किसी प्रकार से उदर भरण करते थे और संख्या पूर्वक नाम स्तुति इत्यादि करते थे। तो ये सब आचरण किसके लिए किया है, ये हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। उनको इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी, नित्य सिद्ध महापुरुषों को इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती, एकमात्र हमें शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने ये सब किया है। तो इसीलिए हम लोग भी श्रील महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने जो आदर्श दिखलाकर गए हैं वैसा हम किसी जीवन में पालन कर सके। जो प्राणों को हाथ में रखे उन्होंने अपनी गुरुपाद पत्नी की सेवा करी है, आप लोगों ने सबने श्रवण किया होगा किस प्रकार आनंद भवन ब्रह्मचारी की सेवा करने के लिए उन्होंने अपनी खुद की प्राण की भी चिंता नहीं करी,
भक्ति भी उस समय पर लाइलाज बीमारी था, लेकिन फिर भी स्वयं मद्रास जाकर उनकी सेवा करी। बड़ा वैशिष्ट है उनकी कई सारी कथाएं हैं, लेकिन समय का अभाव इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरु भविष्य कृपा सिंधु नाम पावनी थे नवनीत प्रभु। नवनीत प्रभु कहाँ गए? प्रभु बोलो क्या? परिक्रमा में जो सेवा कुंज है, एक दिन सेवा कुंज का पुजारी राधा रानी की कुछ प्रसाद माला और प्रसाद लेकर के आए गुरु जी को देने के लिए। वहां पर माता महाराज जी थे, बोले मैं गुरु जी से मिलना चाहता हूँ, प्रसाद देना चाहता हूँ, मेरे को दे दो मैं दे दूंगा, क्योंकि सबको गुरु जी के पास में जाने नहीं देते थे। बोले नहीं, मैं सेवा कुंज से आया हूँ, कोई विशेष जरूरी काम लेकर आया हूँ। तो गुरु जी के पास में बोले चलो। तो गुरु जी के पास में जब गए, देखो वो पुजारी क्या कहता है, बोले रात को मेरे को राधा रानी ने स्वप्न दिया है, बोले जो नारायण गोस्वामी महाराज जी मेरी सखी मंजरी है और तुम मेरी प्रसाद माला और प्रसाद लेकर के श्री नारायण गोस्वामी महाराज को दे करके आना, इसलिए गुरुदेव को जो उन्होंने ये दिया, गुरुदेव तो प्रेम में गदगद हो, क्योंकि स्वयं राधा रानी स्वप्न दे रही है कि मेरी मंजरी रमन मंजरी है और इनको प्रसाद देकर कहा। गुरुदेव के पास में कोई भी प्रसाद देना आते थे, गुरुदेव को कुछ ना कुछ प्रणाम देते थे। तब गुरुदेव ने 1,101 रुपया निकाल करके उनको प्रणाम दिए। बोले नहीं, मैं सबसे प्रणाम लेता हूँ, लेकिन आपसे मैं प्रणाम नहीं ले सकता, क्योंकि राधा रानी मेरे को स्वयं आपके पास में भेजे। अगर राधा रानी जी को स्वयं भेजती हैं, तब समझो ये महापुरुष कितने बड़े महापुरुष है। इसलिए इनके अंदर में कद अयम नीज पर वेद गणना लघु चा, कद जो छोटे हृदय को होते ना, ये मेरा ये तेरा ये तेरी शिष्या मेरे शिष्या, ये लोग करते हैं। कद उदार चरित मना तो वसुधैव कुटुंब, लेकिन जिसका उदार चरित्र है वो सबको एक अपना परिवार मानते हैं। ये महापुरुष के अंदर में ये चीज दिखाई पड़ता है, जैसे जीव गोस्वामी के पास में नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास तीनों आए और जीव गोस्वामी का कोई भी शिष्य नहीं थे, कोई इनके शिष्य नहीं थे, सबके सब शिक्षा शिष्य थे, लेकिन ये तीनों को जीव गोस्वामी एकदम प्रप्त करके उनको तीन दिशाओं में भेजा और ये तीनों ने तीन दिशाओं में नरोत्तम दास ठाकुर को उन्होंने मणिपुर में भेजा, श्यामानंद प्रभु को उन्होंने उड़ीसा में भेजा और श्रीनिवास को बंगाल में भेजा। ये तीन दिशा में ये तीन शिष्य गए ना, सारा दुनिया में टहलका मचा दिया, सारा दुनिया में महाप्रभु का वाणी प्रचार किया। उसी तरह गुरुदेव के पास में भी अक्सर करके अभी इनको पास में जो जो भक्त लोग प्रचार कर रहे हैं ना, इनको पास में सबका शिष्य आए। भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज का शिष्य सिद्धार्थी महाराज और माधव प्रभु भी आए, मैं भक्ति स्वरूप सिद्धार्थी गोस्वामी महाराज शिष्य इनको पास में आए, श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज का इनका तो इतने शिष्य आए जो सोच भी नहीं सकते हो, श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज का शिष्य इनको पास में आए, श्री गौर गोविंद महाराज का शिष्य इनको पास में आए, सबका शिष्य इनको पास में आए। और ये महापुरुष उनका अंदर भी हम बहुत नजदीक से रह करके देखा, अक्सर करके नहीं लड़ाई झगड़ा होता है ना, ये मेरे शिष्य ये तेरे शिष्य वो उसका शिष्य है और इसको लेकर के अधिकांश झगड़ा होता है, लेकिन इनको पास में अपना शिष्य जितने उससे ज्यादा दूसरे के शिष्य यहाँ पर आए और इन्होंने देखो अपना बच्चे को सही पालना कर सकते हैं, लेकिन दूसरे बच्चे को पालना करना इतना आसानी नहीं, लेकिन उन्होंने अक्सर करके दूसरों को शिष्यों को उन्होंने एकदम शिक्षा दे करके और अभी संपूर्ण पृथ्वी में अगर कोई इनकी वाणी प्रचार कर रहे ना, इनका जितने शिक्षा शिष्य लोग सबके सब सारा दुनिया में प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। ये महापुरुष की इतने महिमा, इनकी इतने महिमा। और ये महापुरुष का हम उदाहरण देते हैं, ये तीन मृदंग है, एक होता है जो मृदंग बजाते हैं, दूसरे मृदंग होता है जो बृहद मृदंग ग्रंथ और तीसरा मृदंग किसको कहते हैं, कहते जो स्वयं प्रचार करते हैं। इनके अंदर में जब मैं पहले मेरे मन में मैं पुरी में रहता था पहले मेरे मन में बचपन से इच्छा होती थी मैं सुंदर भगवान की कथा बोलना सीखूं, भगवान की कथा सीखूं। मैंने सोचा अभी इस जगत में ऐसे कौन है, मेरे गुरुदेव चले गए थे, ऐसे कोई वैष्णव क्या है जो कि हरि कथा सिखाते। बोले हाँ, ऐसे एक वैष्णव मथुरा में श्री नारायण गोस्वामी महाराज। फिर मैंने इनको पास में जब हम आए
सचमुच से देखा इनको पास में कथा रूपी गंगा की नदी बह रही थी। इनको पास में आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, महाराज को इतने एक के विषय पर कोई गुरुवर्ग का तिथि है ना, चार चार बार गुरुदेव कथा करते थे, दिन में चार बार कथा करते थे। इनको केवल इनके पास में जो ध्यान से केवल थोड़ी सी कथा सुन लिया ना, वो बड़े बड़े अभी वक्ता बन गए, बड़े बड़े जगत में सारा दुनिया में प्रचार करते हैं। मैंने तो देख कर आश्चर्य में पड़ गया, है आश्चर्य में पड़ गया। और इनको जो कीर्तन हर गौड़ी मठ में जो नमामि स्वरम कार्तिक महीना में गाते ना हर मंदिर में गौड़ी मठ में नमामि स्वरम सचिदान, लेकिन केवल जब मैं मथुरा में आया गुरुदेव को देखा कि गला आप लोगों ने सुने होंगे जैसे कोयल जैसे कुहूकती है, इनकी गला इतने मीठी, इनकी गला महाराज की इतने सुंदर मीठी गला, मैंने जो सुना भजन को मैंने तो कहा इतने सुंदर भजन गा सकते हैं। इसलिए गुरुदेव की जो कथा गला, फिर उन्होंने महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था पृथ्वी ते आशीजत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हरि वर्णा, एक दिन ऐसा आएगा संपूर्ण विश्व में महाप्रभु का नाम गली गलियों में शहर शहर में गूंज उठेगा। सचमुच से इन्होंने पृथ्वी में 36 बार संपूर्ण पृथ्वी में उन्होंने हरि कथा प्रचार की। लगता है हमारे गुरु वर्ग में किसी ने इतने बार पृथ्वी में प्रचार नहीं किया, इतने उन्होंने प्रचार की, इनकी अनंत महिमा। अभी समय हो रहा है, कहाँ गए इधर जी, अभी मेरे को 2 बजे है ना, मेरे को ऑस्ट्रेलिया में कुछ भक्त लोग कथा सुनेंगे, ये 2 बजे मेरे को शुरू हुई कथा, इसलिए राजेश्वर कथा वाले मैं थोड़ी देर में चल जाऊँ। बाकी तो और हमारे राजेश प्रभु जी यहाँ पर मंदिर को देखभाल कर रहे हैं, मंदिर को चला रहे हैं, बड़े कष्ट करके उन्होंने पहले इसको में थे और आ करके उन्होंने गुरु जी का शरण में आए। जब हम तो बहुत दिन से आ रहे हैं जम्मू में, जब आते थे इन्होंने बोलते 2 महीना पहले से ही ये प्रचार करना और उन्होंने कलेक्शन करना शुरू कर देते, और तो गुरुदेव रहते समय करके हम कितने कितने ब्रह्मचारी 40-50 ब्रह्मचारी आते थे, 120 एक बार आए थे, मतलब इतने भक्तों में यहाँ पर रखवा करके ना ये प्रचार करने जो थे सब पुराण लोग हैं, इन लोगों ने संतोषाओ ये प्रचार प्रसार किया है। अभी तो गुरु जी कृपा से एक मंदिर भी बन गया है, ये मंदिर को ये मत समझो राजेश प्रभु का मंदिर है, बोल रहे थे ये मंदिर गुरु जी का मंदिर है, गुरु जी के आदेश से ही ये मंदिर बना है, ये सबका मंदिर है, इसलिए इस मंदिर का कोई मालिक नहीं, मालिक गुरुदेव है। आप लोग अपना मान करके यहाँ पर आओ और सबके सब गुरु जी की सेवा करो। इसलिए प्रभु जी का गुरु जी के बारे में बताना चाहते हैं। गुरु श्री गुरुदेव महाराज की जय। गुरु परम पूज्य पाद भक्त वेदांत श्रीधर महाराज की जय। ओम ज्ञानंतमिदंगस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने शिशुमभक्ति वेदांत नारायण गोस्वामीति नामने वंशाकल्पतरुर्वेश्य कृपासिन्धुभेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदारे कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे अस्मृति गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रभु श्री पाद परमहंस गुरुराज आचार्य अष्टोत्तर सुशील भक्त वेदांत नारायण गोस्वामी की चरण सरोज में मैं संघ की ज्ञापन करता हूँ। उनके चरणों में आज श्रद्धा पुष्पांजलि समर्पित करके उनके अहितु की कृपा के लिए प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात हमारे मध्य में परम पूज्यपाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी और उनके संग आए हुए ब्रह्मचारी पूज्यपाद कृष्णदास गुरु जी और बारिश बाकी सारे भक्त लोग, तो उपस्थित सारे माताएं वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में यथायोग्य दंडवत ज्ञापन करता हूँ और आप सब की कृपा के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। हम लोग सौभाग्य से आज हमारे बीच में महाराज जी है। महाराज जी आपके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ।
2001 की बात है कि हम लोग जब पहली बार नवदी परिक्रमा में गए थे, नवदी परिक्रमा में गया था मैं, 2001 था, तो पहली बार महाराज जी से कंप्लेंट हो गई थी। हम लोग मायापुर जा रहे थे गंगा जी को प्राप्त पार करके, तो पहला दर्शन मैं कहना चाहता हूँ आपको महाराज जी का तब हुआ था। तो हम जब जा रहे थे आगे, तो पीछे से दौड़ दौड़ कर महाराज जी आ रहे थे। वो दिन मुझे याद है और आज का दिन है कि तब से लेकर आज तक मैंने कभी भी महाराज जी को हमेशा ही भागते हुए भी, और यही एक ही शब्द है, कथा है आज, मतलब आज उधर कथा है, आज परसों उधर कथा है, यहाँ से कथा करेंगे तो दूसरी जगह कथा है, वहां से करेंगे तो एक दिन एक हफ्ते में दो दो भागवत भी करते हैं। वो समय था जब हम मायापुर जा रहे थे, तो पीछे से महाराज दौड़ दौड़ कर आ रहे थे और हाथ में कुछ पुस्तक थी, पीछे देखकर अरे जल्दी चलो जल्दी चलो, महाराज कहाँ जा रहे। उस टाइम तो महाराज नहीं थे, उस टाइम प्रभु जी थे, नाम भी था रसानंद प्रभु जी था। तो जब भाग रहे थे तो बोले आ जाओ कथा कथा है आ जाओ जल्दी जल्दी कथा बोलनी है मुझे, गुरु जी ढूंढ रहे हैं। ये पहला शब्द था और मैं जैसे बोल रहा हूँ तब से हम देख रहे हैं कि महाराज जी, हम लोगों ने गुरु जी के संग में जब भी गुरु जी का कोई भी सभा होती थी तो हम लोगों का एक मुख्य एक आकर्षण रहता था कि महाराज जी के, उस टाइम रसानंद प्रभु थे महाराज जी है, तो उस टाइम एक और कि महाराज जी कब उठेंगे और कब गुरु जी इनको बोलेंगे कि रसानंद प्रभु, अब रसानंद प्रभु उठेंगे और अब ये अपने मुख से रस वर्षा करेंगे। तो क्योंकि इनके कथा में एक विशेष आकर्षण, आप सब लोगों ने देखा होगा कैसे एक विशेष आकर्षण होता था महाराज जी को। अभी भी हम लोग जब भी कोई कथा होती, जब भी कोई सभा होती है, तब महाराज जी के प्रति हमारी आंखें रहती है कि महाराज जी अब क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। इस तरह से तब से हमने देखा कि महाराज जी इतना, अब देखो अभी हम प्रभु जी से एक श्लोक सुन रहे थे कि कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कृतो विलभ्यते तत्र मूल्यम अपि मूल्यम विकलम जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। कि कृष्ण रस भाविता मति, हम लोग जिस रूपानुग धारा में है, जिस महाप्रभु की धारा है, जिस रसधारा में है, जिस ब्रजधारा में है, ठीक है, गुरुवर्गो ने जिस धारा में हमने लाया, मैं हमेशा बताता हूँ, हम लोग जानते नहीं कि हम लोगों का कौन सा सौभाग्य हुआ है, ठीक है। इस तरह से जब जिस रसधारा में गुरु जी लाए हैं, अभी हम बता रहे थे कृष्ण भक्ति रसभाविता मति, ये रसभाविता मति मतलब क्या होता है कि हम लोग सुनते हैं कि महाराज जी अभी भागवत कथा किए हुए अभी भी, और हमेशा ही भागवत में ही रहते हैं, क्योंकि जिनका जिस भागवत सुनना भी किससे चाहिए, जिसका जीवन ही भागवत समान हो, ठीक है। इसलिए भागवत करते करते, भागवत है क्या, ये रस ग्रंथ है। जिस तरह से श्री सुखदेव गोस्वामी भागवत के संबंध में बताते हैं कि क्या है वो श्लोक, रसमालय निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य सौम्यतम पीवत भागवतम रसमालय। ये भागवत क्या है, ये रस का आलय है, ठीक है। इसी तरह से महाराज जी के जीवन में देखे, इस रस का वितरण करते करते, रस का वितरण करते, रस का आस्वादन करते करते पूरा रसमय हो, इसलिए शायद इनका नाम रसानंद प्रभु पहले दिया गया था, क्योंकि पूरा रस, क्योंकि ये सबसे जगत में इनको महादानी कहा गया है। हमारे संप्रदाय में जो भगवान की कथा का दान करने वाले, ठीक है, भगवान संसार का जो संताप हारक है, इसलिए गुरु तत्व के संबंध में एक श्लोक आता है कि गुरुवा बहु संति शिष्यस्य वित्त अपहारका दुर्लभम सद्गुरु देवे शिष्यस्य संताप हारका। इस संसार में बहुत सारे ऐसे गुरु है जो शिष्यों के वित्त अपहारक है, उनका समय, उनका धन, उनका सब कुछ खींचने वाले, आप लोग सब जानते हैं। मगर ऐसे सदगुरु दुर्लभ है संसार में, जो शिष्यों के संतापों को हरण करने वाले, हमारी पीड़ा के, जिस पीड़ा के संसार में हम ज्वाला, जिस ज्वाला में जल रहे हैं, उसको पीड़ा से निकालने वाले ऐसे सदगुरु देव बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए महाराज जी इतने सालों से हमने देखा कि परिश्रम रहित, पर जब कोई अपना कोई सुध बुध नहीं, महाराज अपने शरीर का कोई सुध बुध नहीं, उस
इसी तरह से इन्होंने इस रस कथा का ध्यान कर रहे हैं ताकि जीवों का कल्याण हो। ठीक है, भगवान ने बताया है, उद्धव जी को बताया भगवान कृष्ण ने कि ये आचार्य है कौन, इसलिए आचार्य माम विजानियत नवमन्य कर चित, ये आचार्य मेरे ही स्वरूप है, ये भक्त मेरे ही स्वरूप है, इसलिए जगत में जिस करुणा को भगवान इन जीवों पर उबरती है उसी करुणा का अवतार स्वरूप है कि जीवों को जो पीड़ा होती है जगत में भगवान से असहनीय हो जाती है, इसलिए भगवान अपने निजजनों को घर जाकर, देखो ये लोग घूमते हैं हर हर जगत घूमते रहते हैं, आज इस जगह है कल उस जगह है परसों किसी जगह, कारण क्या है, क्या इनको धन संग्रह करने की जरूरत है, क्या ये किसी और, अभी जो कनक कामिनी प्रतिष्ठा बागनी छाड़िया जयजार सहित वैष्णव, ये तो वैष्णव के लक्षण बताए गए कि ये सब रहित हो तब तो वैष्णव है, इसलिए क्या ये इनको इसी तो इस कामना से धन संग्रह कामना से ये किसी प्रतिष्ठा कामना से कि हम उनके गले में माला डालेंगे तो तब जाकर ये कुछ हमें बोलेंगे हमें उपदेश देंगे तब जाकर हमें कोई कल्याण की बात नहीं दी, इनका एक ही कारण है जिसको जिस कारण का गर्गाचार्य नंद बाबा जी को बताते हैं, नंद बाबा स्वयं गर्गाचार्य की वंदना करते हैं और कहते हैं कि महद विचलनम निर्णाम गृहिणाम दीनचेत साम, कि आ महद जो पुरुषों का विचलन होता है ये जो जगह जगह जाते हैं किस लिए जाते हैं, गृहिणाम दीनचेत साम, हम जैसे ग्रह आसक्त लोग जो ग्रह मेदी है हाँ ग्रह के जंजाल में फंसे हुए हैं उन पर करुणा करने के लिए जगह जगह इनका घूमना इसलिए होता है ताकि हम जीवों पर कृपा करने के लिए। ठीक है, इनकी जो हम आज गुरुजी के संबंध में हम बोलना चाहते हैं, मगर हमारे गुरुजी का ये भी एक वैशिष्ट है, ये हमारे जो महाराज जी उनकी देन है, हमारे गुरुजी की देन है ये, भले ही हमारे ये शिला प्रभुपाद जी के गण के आश्रित है मगर जो इनकी शिक्षा हुई है स्वयं अभी महाराज जी बताते हैं कि हमारे गुरु जी का एक वैशिष्ट था कि जितने भी सारे अन्य अन्य प्रभुपाद जी के गणों के भी जितने विशिष्ट है हमारे गुरु जी के सम में आए और वहां पर वो शिक्षित हुए भक्ति की गुरु जी शिक्षा, इसलिए हमारे मथुरा को एक बताया जाता था वो ऑक्सफोर्ड है, गोड़िया ऑक्सफोर्ड बताया जाता था, गोड़िया ऑक्सफोर्ड यानी जहां पर नारायण महाराज जी पता चलता था कि कहीं भी कोई विशेष कथा बोलता तो पता था कि ये नारायण महाराज जी का शायद वहां के उस स्कूल से आए हुए हैं। ठीक है, उस टाइम मथुरा को ऑक्सफोर्ड बताया जाए, इसी ऑक्सफोर्ड में हमने देखा है कि हमारे गुरुवरों को परम पूज्यपाद भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी हमारे प्रेमानंद प्रभु जी एक एक गण का एक एक वैशिष्ट है और गुरु जी इनको खुद गुरु जी हमने देखा खुद थोड़ा सा कथा बोलते थे मगर इन सबको कथा भुलवाते थे। और एक मैं कल भी बता रहा था कि हमारे मठ में एक कंपटीशन होता था कि आज हम कथा इतने सारे कथावाचक होते थे कि कोई कोई नाराज भी होता था कि हम मुझे कथा बोलने को नहीं दिया, कहीं कहीं तो देखा जाता महाराज जी बताते कहीं कहीं तो एक कथावाचक भी नहीं मिलता है कि कथा बोलने के लिए। हाँ, इसलिए हमें मथुरा ये वृंदावन में रूप गोस्वामी जी की तीन दिन बताए मैं गौड़िया मठ भी ढूंढता भैया कोई एक अच्छा वक्ता मिले जो कि रूप गोस्वामी का वैशिष्ट और बोले, लेकिन सारे गौड़िया मठ में भी दो तीन को ढूंढना कठिन होता है, लेकिन गुरु जी की कृपा से हमारे मंदिर में एक छोटे से छोटे बच्चे भी इतने अभी जो दो बच्चे जो कथा सुना रहे थे ना वो ज्यादा दिन के नहीं, आप देख रहे थे कैसे कथा सुना रहे थे है? जैसे आंधी तूफान जैसे आ जाए जिस तरह से गुरु जी ने इनको कथा सुना सुना कर आज ये पूरा कथा स्वरूप ही हो गए कि किसी भी विषय पर किसी भी ये नहीं की केवल भागवत विशेषकर किसी भी विषय पर बोले, इसी तरह से महाराज के संग ये जितने भी ब्रह्मचारी दिख रहे हैं प्रभु जी देखे मैं आश्चर्यचकित हुआ कितना सुंदर कथा प्रभु जी ने बोला, कितने गुरु जी के हम अभी भी शायद पता नहीं है गुरु जी के संबंध में इनसे सुनने को मिला बड़ा सुंदर लगता है, इसलिए हम महाराज जी के मैं बता रहा था कि कैसे गुरु जी ने श्री पूज्यपाद जो भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी थे। ठीक है, जब किसी विचार को किसी हम मायापुर में जाते थे और जब हम विद्यानगर जाते थे और गुरु जी उस टाइम बताते थे भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी को और कैसे सिद्धांत को कैसे हमारे समस्त आचार्यों का वैशिष्ट कैसे रामानुजाचार्य का मध्वाचार्य का इनका वैशिष्ट पूर्ण जितना कथा सुनते थे तो आश्चर्यचकित हो सारी सभा दंग रह जाती थी कि
कैसे वो सिद्धांत बोले कि गुरु जी का एक वैशिष्ट, क्योंकि गुरु जी हमने सुना है इन्हें हम तो गुरु जी के संग में रहे, थोड़ा सा संग हुआ, ज्यादा संग नहीं हुआ, मगर आज जब हम गुरु जी के जितने अनुगत जन थे, जैसे ये लोग इनका जब हम मुख से सुनते हैं, तब हमें अपने गुरु जी के बारे में हमें जानने को मिलता है, क्योंकि गुरु गुरुवर्गों का प्रकाश हम शिष्य जान नहीं पाते हैं। इसलिए गुरुवर्गों का जिस तरह से वैष्णव वृंदावन का महत्व में सुनाकर उस वृंदावन का स्थान का प्रकाश करते हैं, हम लोग ब्रजमंडल में जाते हैं, एक एक स्थान पर जाते हैं, ऐसे हम जाएं तो कुछ पता भी नहीं चलता है, मगर जब हम गुरुवर्गों के संग जाते हैं उस स्थान का वो प्रकाशित कर देते हैं, है ना, उस टाइम अपनी कथाओं के द्वारा। इसी तरह से हम भी गुरु जी को तो दीक्षा लिया, हरिनाम ले लिया, मगर जब तक हम गुरु जी के संबंध में, इस गुरु तत्व के संबंध में अपनी गुरु जी के गुणगान न सुने, तब जाकर उनके प्रति श्रद्धा बन जाती है, तब जाकर हम उनके चरण का आश्रय कर सकते हैं। एक समय आश्रय नहीं होता, एक समय शरणागति गुरु चरण में नहीं होते, जब आप निरंतर, जैसे महाराज जी ने बताया, निरंतर हम गुरु वर्गों के संबंध में जब तक सुनेंगे नहीं, उनसे सुनेंगे नहीं, किनसे, जिनके गुरु जी में श्रद्धा है, निष्ठा है। इसलिए शिक्षा गुरु मतलब क्या है, जो आपके गुरु जी में निष्ठा का उत्पन्न करे, ठीक है, ऐसे शिक्षा गुरु का संग हम लोगों को ग्रहणीय है, ठीक है, जो हमारे गुरुवर्गों के चरणों में हमारी श्रद्धा को और बढ़ाए, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने सुना कि कैसे गुरु जी विशिष्ट, जो हमारे गुरु जी का वैशिष्ट, जो हमें सब लोगों ने अभी, हम पिछले एक साल से कंटिन्यूसली मधुर स्मृत जो हमारी आ रहे हैं नेट पर आ रहे हैं, तो कैसे भक्तों का सुन गुणगान सुनकर गुरु जी का गुणगान कितना सुंदर लग रहा है कि एक एक भक्त, एक एक हमारे गुरु जी का, जितने भी चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, सब में एक वैशिष्ट है, जिस तरह कौन सा वैशिष्ट, जो गुरु जी का कथा, कथा का प्रवेश है ना, इस तरह से हम देखते हैं सब में ऐसा एक वैशिष्ट। इसलिए गुरु जी का एक हम विशेष एक देखते हैं कि गुरु जी हमेशा बताते थे कि देखो हम श्री रूप गोस्वामी की धारा में आए, ये रूपानुगत है क्या चीज, ऐसे रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी कहने से कुछ होगा नहीं, ऐसे महाप्रभु, महाप्रभु से कुछ होने गए, इसलिए हमें जानना पड़ेगा कि महाप्रभु की धारा में हम आए हैं और महाप्रभु का देन क्या है, उनका वैशिष्ट क्या है, उनका अवधान क्या है, इसलिए रूप गोस्वामी का अवधान, इसलिए रूप गोस्वामी बाद पर उसकी तिरुभाव तिथि पर हम लोग देते थे, कैसे गुरु जी आयोजन करते थे, इतनी बड़ा सभा का आयोजन करते जिसमें स्वयं गुरु जी बताते थे कि मैं समस्त ये महाराज जी सबको बुला बुला कर सबके जा जा उनको नियोता देते थे और सब गुरु जी इनको ड्यूटी देते थे कि सब जितने भी वृंदावन के, हाँ, जितने बड़े बड़े विद्वान है, बड़े बड़े पंडित है, उन सबको बुलाते थे और उस सभा में बुलाकर सारे, इसलिए गुरु जी बोलते थे मैं इन सबको इसलिए बुलाता हूँ ताकि आप लोग जानो कि हमारे महाप्रभु, हमारे रूप गोस्वामी है कौन, उनका अवधान क्या है, रूप गोस्वामी का अनुगत्य क्या है, ये रूप मंजरी है कौन। इसलिए उस चीज को हम लोग चार दिन की जो कथा होती थी, इतना मतलब सारा गुरु जी को उढ़ेल देते थे, है ना, इसलिए रूप गोस्वामी का, इसे गुरु जी बताते कि थे कि हम लोग रूप गोस्वामी की धारा में है आए हैं। महा देखो चार आचार्य हुए हैं जो ऊपर है, मध्वाचार्य, रामानुचार्य, जितने ये आचार्य है, दिम्बक आचार्य आदि, ये भी पहले भक्ति बताते थे, इन्होंने भी भक्ति के बारे में बताया है, मगर जो हमारी भक्ति है उसका क्या वैशिष्ट है, इसलिए ये इस चीज को देना देते थे गुरु जी कि हमारे रूप गोस्वामी की धारा है क्या। रूप गोस्वामी ने जिन ग्रंथों का, विशेषकर उज्जवल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु, वो है क्या चीज, इसलिए यदि ये ना जाने तब हम इन महाप्रभु की धारा में या रूप गोस्वामी की धारा में आते हुए भी यदि हम इस वैशिष्ट को नहीं जान पाए तो हमें ज्यादा लाभ नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से गुरु जी ने हम पर कृपा की, यहाँ पर भी जब 2002 में हमने गुरु जी से प्रार्थना किया था कि आप यहाँ पर आइए, ठीक है, हम जम्मू वासियों के यहाँ पर जितने भी सारे, उस टाइम जितने भी सारे, ये मेरा ही नहीं था, सारे जितने जम्मू से मिलकर गुरु जी के यहाँ पर थोड़ा सा जो प्रचार हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर उनका बहुत सुंदर यहाँ पर प्रचार भी हुआ, इसलिए सब महाराज जी जानते हैं, उस टाइम सारे लोग आते थे। गुरु जी मैं पहले जब मैं गया गुरु जी के पास, मैंने गुरु जी को बोला कि जम्मू आना है, गुरु जी ने कहा कि मैं आ जाऊंगा मगर मेरे साथ करीबन 50 भक्त लोग, क्या तुम आदेश कर पाओगे वो सब। मैं कहा गुरु जी आए तो आपकी कृपा से ही सब होगा,
इसलिए रेहड़ी में प्रोग्राम हुआ उस टाइम तो पहले तीर्थ महाराज जी को भेजा था, तीर्थ महाराज जी ने रिपोर्ट किया था कि हाँ महाराज जी आप अगले साल आ सकते हैं। तब जाकर गुरु जी आए और 3-4 बार यहाँ पर आकर बहुत सारा सुंदर प्रचार हुआ था उस टाइम, महाराज जी सब लोग जानते हैं। इसलिए हम पर उन्होंने कृपा की यहाँ पर इस बंजर भूमि में वो बीज जिसको हम कहते हैं कि गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लदा बीज, वो बीज क्या है हमारे इस रूप में धारा में, वो बीज क्या है, वो बीज का जैसे कृष्ण बीज को साधारण बता दिया वो कृष्ण सेवा वासना, ठीक है ना, इसलिए वो कृष्ण सेवा वासना का बीज यहाँ पर आरोपित करते हैं। आज हम थोड़ा थोड़ा सा उसका लता उसका बढ़ती हुई देखते हैं, ठीक है, जब हम देखते हैं कि गुरुवर्गों का ऐसा हाँ सब पालन कर रहे हैं, थोड़ा सा उन नियमों का पालन कर रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग गुरु जी के ऋणी हैं, गुरुवर्गों के ऋणी हैं, महाराज जी के ऋणी हैं, जिन्हों जो हमें गुरुवर्गों के संबंध में हमें बताते हैं, गुरु जी का वैशिष्ट्य हमें बताते हैं, इसलिए हम उनके कृतज्ञ हैं, उनके चिर ऋणी हैं। और महाराज जी यहाँ पर आए हैं उनका भी हम धन्यवाद करते हैं, आप सब लोगों की तरह से वो हम पर हमेशा कृपा बनाए रहे, हमेशा जम्मू आते रहे, और हम जो वंचित है भक्ति से दूर है वो हमें हमेशा हम पर कृपा रखे, वो गुरुवर्गों का आशीर्वाद जो इनके पास स्टोर है यानी उनके पास रखे उसका हमें वर्षण करें, कथा के रूप में हमें वर्षण करें, ताकि हम लोगों का भी वो जो रूप अनुगत धारा का वो जो छीटा फूटा जो है वो हमारे हृदय में आ जाए। तो यही मैं गुरुवर्गों से आज प्रार्थना करूँ, उनके चरणों में यही मेरी श्रद्धा पुष्पांजलि है, नाड़ा जी के चरणों में भी मेरी यही पुष्पांजलि, वो हम पर कृपा बनाए रखे, यहाँ जम्मू आते रहें और हम पर कृपा करते रहें। गौर प्रेमानंदी।